नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आरटीओ विभाग की बड़ी कार्यवाही, कई वाहन किए सीज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मशाल रैली को झंडा दिखा जिला अधिकारी ने किया रवाना। गांव में आई बारात देख सोई बुजुर्ग महिला की धारदार चाकू से रेती गर्दन, हुई हत्या। भीषण भिड़ंत से महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल, कार के उड़े पर खच्चे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार आरटीओ विभाग की बड़ी कार्यवाही शुरू हो गई है। अवैध रूप से चल रहे डग्गा मार वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध वाहनों पर देर रात तक कार्यवाही चलती रही, वहीं आरटीओ ने इस कार्यवाही के दौरान कई वाहन सीज किए। शासन द्वारा एक अभियान 17 मई से 31 मई के बीच में चलाया गया है, जिसके अंतर्गत अवैध पार्किंग स्टैंड तथा अवैध बस स्टैंड के विरुद्ध कार्रवाई करना अपेक्षित था, जिसके तहत आरटीओ प्रशासन तथा पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत कल थाना कुआरसी में अवैध रूप से पार्किंग की गई 13 बसें तथा महुआखेड़ा में 18 बसों के विरुद्ध आरटीओ द्वारा कार्रवाई की गई है, जिनमें कुल मिलाकर 31 बसें सीज की गई है। इस प्रकार से अवधि के अंतर्गत कार्रवाई प्रचलित रहेगी। अलीगढ़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में सफल आयोजन के लिए मशाल रैली निकाली गई थी। यह लखनऊ से चलकर अलीगढ़ पहुंची मशाल रैली को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मशाल रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम पहुंची, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शनी करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ योगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा के साथ विकास भवन के सामने से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। डीएम ने कहा कि मशाल रैली युवाओं व बच्चों में खेलों के प्रति जागरूकता व रुचि पैदा करेगी। जिस प्रकार से पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, उसी प्रकार खेलने की भी कोई उम्र नहीं होती। मशाल रैली का जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इंडिया का उद्देश्य ये है कि खेल के प्रति जो युवा हैं उनके मन में विशेष रूप से उत्साह पैदा करना, और इसको लेकर आज यहाँ से लखनऊ से आई हुई खिलाड़ियों के टीम के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए शहर के मुख्य मार्गों से होकर एक रैली निकाली जा रही है, ताकि युवाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा सके और वो खेलने के क्षेत्र में आगे आएँ, ताकि न केवल उनका शरीर और मन स्वस्थ रहे बल्कि वो देश के लिए भी मेडल जीत कर लाएँ। ये जागरूकता पैदा करने के लिए आज अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से ये इसका शुभारम्भ किया गया है, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से होकर आज शहर का एक ग्राउंड लेगी और वापस इसका समापन यहीं पर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम। जिन पर स्कूल, आपका परिवार, आपका घर और यानी वर्षा कर्म करता है, क्योंकि आप यहाँ आए हुए हो एक नई बार नई तारीख नहीं होती। तो इसलिए जब आप नई बार लिख रहे हो, आप नई तारीख लिख रहे हो, आप नया इतिहास रच रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अनुशासन का मुजाहरा करते हुए जहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश से चाहे वो प्रद्युम्न राज सिंह जो मशाल वाहक भी मैनेजर है, यहाँ पर टीम लीडर है जो यहाँ आए हुए हैं, वो संदेश लेकर आए हैं पूरे प्रदेश को, वो संदेश दे रहे हैं जिलों में जा जाके मशाल का। वही उनके साथ में जो शुभांकर चीतू जो अरुण कुमार जी यहाँ मौजूद है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में यहाँ पर चाहे डॉक्टर विपिन कुमार वाजपेयी जो क्रीड़ा समिति के सचिव है, प्रधानाचार्य है टीएबीसी कॉलेज के, वही अरुण शर्मा जो प्रधानाचार्य है और कोषाध्यक्ष है, ईश्वर दास वर्मा जी जो जिला की पीटीआई है, एक दूसरे का स्कूल के इमरान साहब है, संजय है, हमारे क्रिकेट के नाम रईस साहब जो अच्छी स्कूल के, मैं सभी का और सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी
अलीगढ़ खैर क्षेत्र के गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला भगवती देवी देर रात करीब 11 बजे गांव में आई बारात देकर सो गई थी। उसी दौरान बुजुर्ग महिला को घर में अकेला पाकर लूट के इरादे से आए अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से बुजुर्ग महिला की गर्दन काट हत्या कर दी और महिला के पास मौजूद सोने चांदी के कुंडल लूटकर वारदात को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। सुबह होने पर जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों को आशंका होने लगी। आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे सीओ खैर सहित इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार एसओजी टीम के साथ दरवाजा खोला तो बुजुर्ग महिला की खून में लथपथ लाश दिखी। ये देख सबके होश उड़ गए। पुलिस द्वारा बुजुर्ग महिला के बेटे को घटना की जानकारी दी गई। घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। गांव रसूलपुर। ये जो घटना हुई है, क्या नाम था इनका? भगवती देवी। उम्र कितनी होगी? 75 साल। तो ये कितने समय की घटना है? ये लगभग 11:30। परिवार में कौन कौन है? और परिवार में तो इनका एक बेटा है जी, बड़ा जी। साथ रहते हैं या कहीं बाहर? दिल्ली। तो किससे बार किया है जो घटना से? जी। तो पुलिस को सूचना दी आपने? जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने तो सख्त तौर पर बंदे को जी। धन्यवाद। अलीगढ़ क्षेत्र के तेहरा मोड़ पर कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। बताया गया है कि महिला व पुरुष अलीगढ़ से मथुरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हादसे में महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएससी इगलास में भर्ती कराया गया है। इस तरह की सारी अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे साथ एटी न्यूज़ इंडिया पर, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।